Bismillahi Ramani rahim my dear fourth year class. This is another lecture on English. Today we are going to study the poem A Thing of Beauty, written by John Keats. In this lecture, I'll only discuss with you the main idea, or we can say critical appreciation, of this poem. So, दिस इज़ ट्रेंड इंग्लिश ग्रामर बुक विद मी ट्रेंड इंग्लिश ग्रामर बुक एंड पेज नंबर टू हंड्रेड और माई बुक सो ये हम देखेंगे इसको पढ़ेंगे और आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि साथ आपकी पोइट्री की भी अच्छी प्रिप्रेशन हो जाए आ थिंग ऑफ ब्यूटी खूबसूरती की कोई भी चीज़ कॉम्प्टन रिकेट सेड्स है सेव द रिलीजन ऑफ ब्यूटी कॉम्प्टन रिकट कहते हैं किड्स का कोई मज़हब नहीं था सिवाय खूबसूरती के मज़ब के इट इज़ ट्रू दैट किड्स इज नॉट प्राइमारली अरल पोट ये सही बात है कि किड्स कोई अखलाकी शायर नहीं था जो अखलाकियात के ऊपर सबक दे रहा हो ही इज़ द पोइट ऑफ ब्यूटी वो खूबसूरती का शायर है ही हिम सेल्फ वो खुद कहता है, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स तमाम चीज़ों में मुझे ख़ूबसूरती का असूल अच्छा लगता है अब देखें यहाँ से हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ ही वॉज़ अ रोमांटिक पोट रोमांटिक ये आर आपने कैपिटल लिखना है एज को ज़ाहिर करता है वो रोमांटिक पोइट था मतलब कि रोमांटिक पीरियड है इंग्लिश हिस्ट्री में उससे बिलोंग करता था बट हिज़ पोट्री डिफर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट फ्राम दी द फ्राम दैट ऑफ वर्ड्स वर्थ कॉलरीज शैले एंड बायरन लेकिन उसकी शायरी उस दौर के दूसरे जो रोमांटिक पोइट्स हैं जैसे वर्ड्स वर्थ है कॉलरीज है शैले या बायरन उनसे डिफरेंट है देआर पोइट्री स्पोक ऑफ मैन हिज डिट डेस्टिनी हिज़ रोंग्स हिज राइट्स एंड हिज़ होप्स उनकी शायरी डील करती है इंसान से उसकी तकदीर से, से उसके गलत कामों से उसके हकूक से उसके उम्मीदों से बट किड्स हैज़ नो इंटरेस्ट इन मैन एंड इन द फ्यूचर ऑफ मैन लेकिन किड्स को इंसान या इंसान के मुस्तबिल से कोई दिलचस्पी नहीं है हैज़ नो इंटरेस्ट इन एनी थिंग बट ब्यूटी उसे सिवाय ख़ूबसूरती की और किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है या अब अगला पैराग्राफ़ देखें किड्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इज फोर्स अपियरड इन डिटेल इन हिस्स पोइम एंडी म्योन किड्स का खूबसूरती का तस्वूर सबसे पहले उसकी एक पोइम एंडी म्योन में हमें नज़र आता है अब ये देखें किड्स पूरा लिख के एस के बाद एपस्ट्रॉफी लगी हुई है तो ये है कि असल में ये है इज कॉन्सेप्ट किड्स लिख के अपस्ट्रॉफी एस लगाना है तो ये इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है जिस वर्ड के आखिर में एस ऑलरेडी लिखा हुआ हो तो वहाँ पर ओनली अपस ट्रॉफी लगाना काफ़ी होती है तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर एक और एस नहीं लगाएंगे लेकिन किड्स पूरा लिखेंगे और उसके बाद अपस ट्रॉफी दिस पॉइंट इज़ अ रिवोल्ट अगेंस्ट अगेंस्ट द कॉमन प्लेस रियलिटी तो ये पोइम आम किस्म की हकीकत के ख़िलाफ़ एक बगावत है अकॉर्डिंग टू किड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी डिफर्स फ्राम एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ऑफ पीयर्स आर सोन टम्परेरलीस इफेक्ट इज शॉर्ट लिव एंड इट्स लवलीनेस ड्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम तो आम जो चीज़ें होती हैं उनकी खूबसूरती आर्जी होती है टेम्परेरली होती है और उनके उनका इफ़ेक्ट शॉर्ट लिव्ड होता है थोड़ा टाइम के लिए होता है लवलीनेस ड्रीज विद देश ऑफ टाइम और उनकी लवलीनेस मीन्स ब्यूटी ब्यूटी उन चीज़ों के बाद के गुजरने के साथ साथ कम होती जाती है बट द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी अपील्स टू आर सेंसेस परमानेंटली लेकिन खूबसूरती की चीज़ हमारी हवासों को मुस्तकिल तौर पर अपील करती है इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई टाइम एंड स्पेस वक्त और जगह के साथ इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता इट इज़ एट ए टेम्पोरल एंड इट्स लवलीनेस अवे ये ए टेम्पोरल होता है टेम्पोरल टाइम से रिलेटेड होता है आ, तो आ, ये ए टेम्पोरल का मतलब होता है अपोजिट मतलब कि इसका किसी एक जगह या टाइम से ताल्लुक़ नहीं होता एंड्स लवलीनेस फेड अवे धुंधला जाना ख़त्म हो जाना और इसकी खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होती है ये अगला पैराग्राफ देखेंगे किड्स फर्दर एसोसिएट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी विद क्लस्टर ऑफ़ फ्लावर्स एंड अ ग्रुप ऑफ़ शेडी ट्रीज किड्स खूबसूरती के ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करता है कि खूबसूरती को क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स के साथ फूलों के ग्रुप के साथ और शेडी ट्रीज के साथ वन कैन रिलैक्स इन दराउंडिंग ऐसे माहौल में वन मतलब कोई भी शख्स कोई भी शख्स अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं पुरसकून महसूस करते हैं एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ और ऐसी नींद जिसमें स्वीट ड्रीम्स होते हैं और हेल्थ होती है एंड क्वाइट ब्रीदिंग और अच्छी पुरसकून ब्रीदिंग सांस दीज लाइन्स शो द स्वीटनेस ऑफ काम एंड कामनेस विच मैन गेट्स फ्राम दी कम्पेनियनशिप ऑफ द ऑबजेक्ट्स ऑफ ब्यूटी ये देखें नेक्स्ट पैराग्राफ है ये लाइन्स स्वीटनेस और कम और कामनेस मिठास और पुरसकून होने को जाहिर करती हैं विच मैन गेट्स फ्राम द कम्पेनियनशिप ऑफ द ऑबजेक्ट्स ऑफ ब्यूटी जो कि इंसान खूबसूरती की चीज़ों के साथ रहकर हासिल करता है इट इज़ अ रे ऑफ लाइट एंड होप देट कंसोल्स मैन इन हीज मिजरीज एंड मिसफॉर्चूनस ये लाइट और होप की रे होती है शुआ होती है रोशनी और उम्मीद की जो इंसान की मिजरीज परेशानियों को और मिसफॉर्चून और, और बदहाली में कंसोल करती है उसे सुकून देती है तसली देती है दैन किड्स मैंशन्स दी ऑब्जेक्ट्स अब्जे, ऑफ ब्यूटी वन बाय वन फिर किड्स खूबसूरती की चीज़ों को एक एक करके बयान करते हैं द सन द मून द ओल्ड ट्रीज द डेफोडल द क्लियर स्ट्रीम्स एंड द फॉरेस्ट विच इज़ रिच विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी आर अ सोर्स ऑफ कंसोलेशन इन अ वर्ल्ड तो ये सारी चीज़ें सूरज चांद पुराने दरख्त डेफोडिल फ्लावर्स साफ पानी के चश्मे नहरें फॉरेस्ट जंगल ये सब खूबसूरत फूलों से जो भरे हुए होते हैं ये चीज़ें दुनिया में इंसान को कंसोलेशन देती हैं सुकून देती हैं तसली देती हैं वे आर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन तो कौन सी दुनिया जिसमें इंसान बैठते है और एक दूसरे को ग्रोन करते हुए कराते हुए सुनता है यानी कि इस दुनिया के अंदर इंसान को गम मिलते हैं और गम की वजह से उसकी कराने की आवाज़ आती है तो इंसान को ऐसे माहौल में ये ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी कंसोल करती है अब देखिए अगला पैराग्राफ आगे टू किड्स नॉट ओनली नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बट ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ट और रेड आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी तो किड्स के नज़दीक ना सिर्फ खूबसूरती की चीज़ें बल्कि लवली टेल्स खूबसूरत दास्तानें कहानियाँ जो हमने पढ़ी या सुनी वो भी खूबसूर वो भी ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी हैं दे हैव बिन गिविंग प्लेशर टू मैन काइंड फॉर मैनी सेंचुरीज ये चीज़ें इंसान को फॉर मैनी सेंचुरीज बहुत से सदियों से सुकून दे रही हैं खुशी दे रही हैं दे आर स्टिल फ्रेश एंड फैसिनेटिंग वो अभी भी सुकून देने में फ्रेश है और फैसिनेटिंग है मशहूर कुन है एंड कंटेन अ वाइटल मैसेज वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर जनरे ऑफ ह्यूमन बेंग और फ्यूचर जनरेशन और इंसान के आने वाले जो मुस्कबिल के जेनेशन्स हैं नस्लें हैं उनके लिए भी एक अहम मैसेज रखती हैं दस टू किड्स ब्यूटी इज़ द दर्मानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड दैट गिव सोलेस एंड सटिस्फैक्शन टू दार्ट ब्रोकन विद द फीवर एंड फ्रैट ऑफ दिस वर्ल्ड चुनाचे जो खूबसूरती है वो खुशी का मुस्तकिल सोर्स है उन दिलों के लिए तसली है जो फीवर दुनिया के फीवर एंड फ्रेट की वजह से मुरझा गए हैं दुनिया के गम तकलीफ बीमारियों की वजह से मुरझा गए हैं उनके लिए खूबसूरती की चीज़ें परमानेंट सोर्स ऑफ जो है एंड एंडलेस फ़ाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक लाफानी ड्रिंक मशरूब का ख़त्म ना होने वाला चश्मा पोरिंग अंटोर्स फ्राम हेवंस ब्रिंक ब्रिंक चश्मा जो हमारे ऊपर जन्त के चश्मे से लाया गया तो जन्नत के चश्मे से लाए गए लाफानी मशरूब का ख़त्म ना होने वाला फुवारा ये खूबसूरती के बारे में कहा गया है तो ये देखें ऐसे ही अगर इसमें से कोई स्टैंडा आ जाते हैं आपके पेपर में तो पैम आपने पूरी पढ़नी है ज़रूर है उसके मीनिंग भी अंडरस्टैंड करने हैं ताकि आपको आइडिया हो सके इसकी लैंग्वेज के बारे में ये एक स्टैंडा लिखा हुआ है मैं ये पढ़ देती हूँ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इस लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस तो थिंक ऑफ ब्यूटी हमेशा के लिए खुशी का बायस होती है इसकी खूबसूरती बढ़ती रहती है और ये कभी भी एंड नहीं होती नथिंगनेस ख़त्म हो जाना बट स्टिल भी कीप बा बाबर क्वाइट ड्रीम्स तो हमारे पास फुल ये रहती है मतलब खूबसूरती कभी भी ख़त्म नहीं होती वक्त के साथ साथ भी हमारे पास ये वैसे फ्रेश रहती है और इसके साथ हमें स्वीट ड्रीम्स आते हैं एंड हेल्थ आते हैं और क्वाइट ब्रीदिंग और पुरसकून नींद आती है तो यह रेफरेंस आपने लिखना है पेपर में दिस लाइन है टेकन फ्राम दी पोएम आ थिंक ऑफ ब्यूटी रिटर्न बाई कीयर्स तो इसी तरह से आपने अ थिंग ऑफ ब्यूटी जैसे इन्होंने लिखा हुआ है और ये लिख के इसको इन्वर्टर को मास् भी कर दीजिएगा और रिटर्न बाय किड्स किड्स को ना कीजिएगा इन्वर्टर को मास्क और uh, के टाइटल को uh, करते हैं और जो पोइट का नेम होता है उसको इन्वर्टर कमा भी नहीं लिखते कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा और एक्सप्लेनेशन किड्स गिव्स हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इन हिज पोएम एंडी मियन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्स अच्छा ये एक्सर ये गलत लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम इट इट कीप्स फ्राम अच्छा किट्स इज दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी इज डिफरेंट फ्राम एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट दैट पील्स ओनली टम्परली तो ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी आम चीज़ों से डिफरेंट होती है जो हमें आर्टी तौर पर अट्रैक्ट करते हैं इट्स इफेक्ट इज शॉर्ट एंड इट्स लवलीनेस डिक्रीज तो जो आम चीज़ें होती हैं जो खूबसूरती वाली नहीं होती है उसका इफेक्ट भी थोड़ा होता है और उसकी खूबसूरती भी कम होने शुरू हो जाती है विद द ऑफ टाइम बट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी अपील्स आवर सेंसेस परमानेंटली लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी परमानेंटली हमें अपील करती है इट्स चार के नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई द चेंज ऑफ टाइम एंड स्पेस वक्त और जगह के चेंज होने से इसकी खूबसूरती चाम कभी कम नहीं होता फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ये आप ज़्यादा पैराग्राफ बना कर लिख सकती हैं इन्होंने एक पैराग्राफ बनाए हुए लेकिन आप ज़्यादा इसके पैराग्राफ बना सकती हैं किट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस प्लेजर नॉट ओनली इन द मोमेंट व्हेन वी लुक एट इट बट आल्सो फॉर ऑल द टाइम टू कम किज दैट अ ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस प्लेजर नॉट ओनली मोमेंट वैन वी लुक एट इट बट ऑल्सो फॉर ऑल द टाइम टू कम तो जो ब्यूटीफुल चीज़ होती है वो हमें सिर्फ एक लम्बे की खूबसूरती नहीं देती बल्कि हमेशा के लिए हमारे लिए प्लेजर का बायस होती है टाइम एंड स्पेस में चेंज बट इट्स लवलीनेस नेवर चेंजेस तो वक्त भी बदल सकता है जगह भी लेकिन जो चीज़ है उसकी ख़ूबसूरती नहीं बदलेगी इट रिमेंस द सेम फैसिनेटिंग एंड बिविचिंग ये वही रहेगी फैसनेटिंग एंड बीविचिंग दोनों का मतलब बता मसहूर कहर जदा कर देने वाले दिल को खूबसूरत लगने वाले इट्स ब्यूटी यह अगला पैराग्राम बना लीजिएगा एंड शाम एंड बामी इफेक्ट ऑन आस इट अस द्लैशर ऑफ माइंड बट ऑफ विच वी हैव ए साउंड स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स इट ऑल्सो गिवज दस हेल्थ फिजिकल एंड मेंटल एंड स्परिचुअल रिमूव ऑल आरवरीज एंड एग्नीज तो वी टेक अ सई ऑफ रिलीफ़ इन एड्स कम्पनी तो ये हमारे हमें सेहत देती है और जिसमानी जहनी रूहानी सुकून देती है और हमसे हमारी परेशानियाँ और एग्नी तकलीफ़ को कहते हैं तकलीफ़ दूर कर देती है चुनाचे हम सुकून का सांस लेते हैं इन एड्स कंपनी इसकी मौजूदगी में तो ये हो गया और इसमें क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लेशन की ये देखें ऐड कर सकते हैं राइमिंग वर्ड्स हैं देखें एवर एंड नेवर कीप एंड स्लीप और ये आप डिस्कस कर सकती हैं उसके अलावा आप इसको डिस्कस कर कर सकती हैं इसमें जो नेचर का एलिमेंट है हम हम उसको भी ले सकते हैं तो एक पैराग्राफ में आप डिस्कस कर, कर सकते हैं कि दिस लाइन शो एज ए रोमांटिक पोइट और इन रोमांटिक पीरियड ट्रेंड वाज टूवर्ड्स नेचर और यहाँ भी नेचर के अंदर नेचर के अंदर ही रहने को कहा गया है और एक पैरा एक पैराग्राफ में आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके बता सकती हैं इसको किड्स को पी बी शैले के साथ शैले की जितनी भी पोइट्री है वो मॉरल बेसिस पर है शैले रेवोल्यूशन पोइट्री है उसने हमेशा चेंज एंड रेवोल्यूशन की बात की है किड्स उसके बरक्स कभी भी मॉरल सेंस पे नहीं बोलता और वो हमेशा आर्ट फॉर आर्ट से की बात करता है से ब्यूटी की बात करता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की अखलाकी की तरबियत से चलिए यहाँ तक मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ आई होप आपको चीज़ें समझ आ गए होगा नेक्स्ट इन ये देखें यह ये पोइमे द ईव ऑफ सेंट एगनीस ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय